अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास और प्रीवियस क्वेश्चंस हमने जो है वो कर लिए हैं, आप चैनल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आप ये कंडीशन है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आई, इसे सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, कंप्यूट करें, जो भी आपको लगता है वो करें, ठीक है। कोई वर्ड यूज करें और मालूम करें इसकी वैल्यू, मतलब ठीक है। अच्छा, आप अगर मैं देखूं पहले क्या है, ए स्क्वायर है, क्या लिखा है। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4, आइडेंटिटी का सेट कहते हैं इसे, ठीक। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको ए को ए के सेट से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैं हूं और मेरे साथ भी मैं ही हूं, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो मैं ए का मैट्रिक्स जो है वो कॉपी कर लेती हूँ, -2 -1 और 0, थोड़ा थोड़ा जो है ना इस तरह कंजेस्टेड करके लिखेंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है ना वो पूरी आ जाए, सही है स्टूडेंट्स। ओके, ये हो गया ए का मैट्रिक्स, और यहाँ पे छोटा सा मल्टीप्लाई बनाया और फिर ए का मैट्रिक्स दोबारा लिख दिया, -2 -1 0 1 4 8 0 3 5, ठीक है, और मैट्रिक्स कर दिया क्लोज और यहाँ बना दिया ब्रैकेट। वैसे ब्रैकेट की नीड नहीं है लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो इसलिए हम बना दें तो अच्छी बात है। अब माइनस और 5 और फिर ए का मैट्रिक्स आएगा क्योंकि बोला है वही एक ए का मैट्रिक्स, -2 -1 0 1 4 8 0 3 और 5, फाइनली हमने जगह बचा ही ली। अब है प्लस 4, और अब कौन सा सेट बोल रहे हैं, आइडेंटिटी का सेट, वो तो आप लोग को याद ही होगा, इजी है ना। आइडेंटिटी का सेट क्या होता है भाई, पहले 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर क्या होता है भाई, 0 0 1, सही है। इस तरह जो होता है ये सेट मैट्रिक्स जो है वो आपका आइडेंटिटी का मैट्रिक्स है। चले अब सॉल्यूशन करते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं, मैं थोड़ा सा और साइड में आ जाती हूँ, यही समझे हमें यहाँ साइड में कॉपी करना है लेकिन अब जगह नहीं है तो इसलिए। सॉल्यूशन करते हुए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस 5 को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और 4 को भी पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो खैर मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, मल्टीप्लाई तो इतने सारे आप लोग कर चुके हैं, अब तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी। पहले वाले मैट्रिक्स की रॉ दूसरे वाले मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, और पहले रूल भी देखें, अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं तो इसकी रॉ भी 3 होनी चाहिए, इक्वल कॉलम, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रॉ इक्वल होनी चाहिए, मल्टीप्लाई तभी होगा। खैर यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा था, हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हमने बहुत बार कर लिया है तो क्या मल्टीप्लाई करके रख लूँ, या एक रॉ करवा देती हूँ फिर कर रखती हूँ। 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, 1 1 1, -1, 0 0 0, प्लस का 0 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 1 2, माइनस का 2, और 1 4 4, प्लस का 4, और 0 8 0 प्लस 0, 0 के साथ भले कुछ भी साइन हो, -2 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस नहीं दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, ये बहुत इलीगल सा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। 1 3 3, प्लस 3, 0 5 0, प्लस 0, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोग को। अब मैं इस वाली रॉ को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के रख लूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने दोनों मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आपने मल्टीप्लाई देखना है कि कैसे हुआ है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 में कम्प्लीटली मल्टीप्लाई सॉल्व करके दिखाया हुआ है। अच्छा, इसमें 5 को इन सब नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस है ना, और 5 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, माइनस को मैं बाहर ही रहने दे रही हूँ, सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, साइन तब्दील नहीं होगा, बस 5 2 10, माइनस का 10, 5 1 5, माइनस का 5। इसमें भले आप यूं करें मल्टीप्लाई, यूं पहले मल्टीप्लाई करें, सबको जो मल्टीप्लाई करना है, 5 0 0, 5 1 5, 5 4 20, 5 8 40, 5 0 0, 5 3 15, 5 5 25, ठीक है। ये आपने प्लस का साइन भी बना दिया और कुछ भी, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी नहीं करवाया, माइनस से मल्टीप्लाई मैंने नहीं करवाया, यहाँ भी प्लस ऐसे ही है, आपको पता है सब जगह 0 है, बस यहाँ 4 4 4 आ जाएगा क्योंकि 1 से जो मल्टीप्लाई होगा उसको इफेक्ट होगा 0 से, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू वापसी 0 ही हो जाती है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये आपके पास ये आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, 5 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया एंड 4 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। चले अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे होगा, 4 में से 1 गए तो बचा आपके पास 3, 2 में 4 में से 2 माइनस 2। इसी तरह यहाँ तो सिर्फ माइनस 8 आपके सामने नजर आ ही रहा है, और 4 में से 2 गए तो ये बचा 2, और 16 में से 1 दे 15, और 24 में से फिर हम करेंगे 15 और 24 को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39, और 32 और 40 का सम आएगा 72, और ये तो 3 आ ही रहा है, और 12 और 15 कितने होते हैं 27, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 24 और 25 49। सही है। अच्छा ये मैट्रिक्स ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स भी ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, इसको अभी हमने नहीं छेड़ा बिल्कुल भी। सही है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा बस ध्यान देना है, सब बहुत ज्यादा आसान है, खास तौर पर मैट्रिक्स। सही है। ओके अब देखें आपको ना इसको पहले सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करें कि थ्री तो अपनी जगह पर है, माइनस क्या है ना, इन सबके साइन चेंज करके साथ सॉल्व करें। जब माइनस का 10 है तो प्लस का 10 लिखें, ये 2 अपनी जगह पे प्लस का 5 है तो माइनस का 5 लिखें, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो सबके साइन को क्या कर देगा, तब्दील कर देगा। सही है। 2 माइनस 5 आ गया, इस तरह 3 माइनस 0 क्या, 3 माइनस 0 तो 3 माइनस 0 ही होता है ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये माइनस का 2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का 5 है तो प्लस का 5, और 39 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा माइनस का 20, 27 फिर एज इट इज, ये प्लस का 15 हो जाएगा माइनस का 15, माइनस 8 एज इट इज 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना भी नहीं चाह रही मैं। 72 में से गए 40, 40 गए नहीं, मतलब प्लस का 40 माइनस का 40 हो जाएगा, और 49 तो है, और प्लस का 25 माइनस का 25, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, और ये प्लस ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। सही है। साथ ही क्योंकि अगली बारी जो है वो इसी की है। सही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, गौर से देखेंगे तो इजिली आप लोग को ये समझ में आएगा। ठीक है, देखने से कुछ नहीं होगा कि समझना ही पड़ेगा। अब 3 प्लस 0 तो होता है 3, 2 और 5 यहाँ पे आएगा प्लस का 3, माइनस का 8 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस का 3 आएगा, 39 में से गए 20 तो ये आएगा प्लस का 19, 72 में से माइनस हुए 40 तो ये आएगा 32 वही प्लस का, और 3 तो ऐसे ही रहेगा, 27 में से गए 15 तो आएगा 12, और 49 से 25 माइनस हुए तो आंसर आएगा 24। सही है। ओके अच्छा सही है। अब मुझे चाहिए था मैं प्लस कर लेती, लेकिन चले कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये सर क्वेश्चन एग्जाम आता है तो स्टेप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। हाँ अगर कुछ टाइम कम है आपके पास तो क्वेश्चन का मुकम्मल होना स्टेप्स के कंप्लीट होने से ज़्यादा ज़रूरी है। अब ना मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बाकायदा 3 + 4, 3 - 3 0 सब ये लिख कर दिखाऊँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 3 और 4 ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 7, ये 0 ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 0 है तो इससे कोई मतलब यहाँ 0 है तो 0 के ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 0 ऐड हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ 19 और प्लस 4 होंगे तो 19 प्लस 4 हो जाएंगे 23। सही है। 12 और 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 8 और 0 कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 32 0। सही। अब 24 और 4 हो जाएंगे 28, तो यहाँ हो गया हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आइडेंटिटी के मैट्रिक्स की, और अजीब से लिखा है ना मैंने, खैर इग्नोर इट, तो ये आपके पास जो है वो आ गया आंसर। ठीक है। ओके अच्छा अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जब तक आप इन क्वेश्चंस को पक्का कर लें, और क्वेश्चन नंबर 6। सही है। इस एक्सरसाइज का बस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।